हलका दीनानगर दे विच श्रोमणी अकाली दल नूं होर मजबूती मिली है। इत्थे बसपा दे साबका जिला प्रधान रमन कुमार बसपा छड्ड के साथियों समेत अकाली दल च शामिल हो गए ने। इस दौरान श्रोमणी अकाली दल दे जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली विधायक पवन कुमार टीनू ने उन्हां दा स्वागत किया। इस मौके अकाली आगुआं ने कहा कि पार्टी दीआं नीतियां नूं वेखदे होए वख-वख पार्टियां दे आगू श्रोमणी अकाली दल दा लड़ फड़ रहे ने, जिन्हां नूं पार्टी वल्लों बणदा मान सन्मान दित्ता जाएगा। देश के दे हालात इस तरह के हो गए ने, एमरजेंसी वर्गे हालात देश के दे बनाते बीजेपी ने, और पंजाब दे विच किसान सड़कां दे उत्ते है, दलित बच्चों का भविख खतरे दे विच है, और किसानां दी मजदूरां दी जिहड़ी जिहड़ी समझ वा वह यह आ कि श्रोमणी अकाली दल ही उन्होंने हितों की राखी कर सकती है। इस करके श्रोमणी अकाली दल की नीतियों तो प्रभावित हो के अज असी बसपा नूं, मैं अपने साथियों समेत बसपा नूं अलविदा कह के श्रोमणी अकाली दल का हिस्सा बने। दूजिया पार्टियां जो शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के भी शामिल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के भी अगले चरणों में होर भी साबका सरपंच सरपंच अहुदेदार शामिल करावांगे, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जिन्होंने पहला भी पंजाब की सेवा मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने भी की कि लोक हित की गल करते हैं और नीतियां जिहड़ियां वो लोक हित दियां बनाउंदे ने, ते पंजाब उहनां दे वेले खुशहाल सी, जिहड़े काले कानूनां दे खिलाफ ही बोलते हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह जी बादल बनने, लोग चाहते हैं। इस करके दूजिया पार्टी के लोग साड़ी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोगों च बहुत वड्डा उत्साह है, क्योंकि लोग हुण कांग्रेस बीजेपी ते नैशनल पार्टियां तो अक गए, क्योंकि ये पार्टियां पंजाब दे विरुद्ध आ, पंजाब दे विरुद्ध काले कानून पास कर रही हैं, ते कांग्रेस पार्टी ने जिहड़े 2017 च वादे किए सी लोगों नाल वोटां वेले, वो सारिया वादियां तो मुकर गई है। किसी नूं घर घर नौकरी नहीं मिली, किसी का कोई करजा माफ नहीं होया, सो जिन्ने भी वादे सी सारे खत्म हवा च हो गए, तो हुण लोग पंजाब दे इकट्ठे हो रहे आ, सारे वर्ग सारे भाईचारे वो विश्वास करते हैं श्रोमणी अकाली दल ते सरदार प्रकाश सिंह बादल ते प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल ते, क्योंकि जो कहिंदे आ करके दिखाउंदे आ।